हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईडू चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए अब भारत सरकार ने एक नया शर्त रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस शर्त के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये शर्त क्या है और आप इस शर्त को कैसे पूरा कर सकते हैं और आपको यह शर्त कब तक पूरा करना होगा और आप अगर शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा कि नहीं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शर्त को पूरा किए बिना नहीं मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 6,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जो शर्त है इसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे। अब किसान के लिए ज़रूरी खबर, 31 मार्च तक लिंक करवाना होगा आधार कार्ड वरना नहीं मिलेंगे खेती के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद। मतलब अब अगर आप आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो किसानों को जो खेती के लिए आपको 6,000 रुपया आर्थिक मदद मिलते हैं वो मदद आपको नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के लिए यह ज़रूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये की सहायता लेने के लिए इन राज्यों के किसानों को 31 मार्च तक अब आधार वेरिफिकेशन करना होगा वरना पैसा आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 31 मार्च तक अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। मोदी सरकार यह पैसा खेती किसान के लिए देती है, मतलब जो पैसा देती है ये सरकार पैसा खेती किसान के लिए देती है, मतलब खेती करने के लिए। इन राज्यों में आधार लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाई गई है जबकि बाकी में 30 नवंबर 2019 को ही अंतिम तारीख थी, मतलब 30 नवंबर 2019 को ही आपका अंतिम तारीख था लेकिन इन तीन चार राज्यों में डेट बढ़ाया गया है। देश भर में 14.5 करोड़ किसान परिवार है, इनमें से सिर्फ 6.5 करोड़ को ही 2,000 की 3 किस्त मिली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधार अनिवार्य होने के बाद लाभार्थी की संख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी। कागजों की गड़बड़ी और आधार की कमी की वजह से काफ़ी लोगों को पैसा नहीं मिल सका। ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे तय समय में अपना आधार लिंक करवा लें। मतलब टोटल जो देश भर में किसान परिवार है 14.5 करोड़ है जबकि इनमें से सिर्फ 6.5 करोड़ को ही 2,000 की 3 किस्त मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आधार अभी मतलब वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है उसके कारण जो है लाभार्थी की संख्या मतलब बढ़ नहीं रही है, इसलिए जो है अभी 6.5 करोड़ को ही 2,000 का 3 किस्त मिली है। आपको आधार लिंक कराना अनिवार्य है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 तारीख तक आधार लिंक कराना जरूरी है, मतलब 31 तारीख तक ही आपको आधार लिंक कराना है, 31 मार्च तक ही, उसके बाद आपका आधार लिंक नहीं कर पाइएगा, आपका डेट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इस स्कीम से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पहले अपने लेखापाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहाँ से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 या 1800115526 टोल फ्री नंबर जो है इसमें संपर्क करें। वहाँ से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011-233-81092 पर बात करें, लेकिन इससे पहले आधार को ज़रूर लिंक करें। मतलब अगर आपको आपका
कोई दिक्कत है और आपका जो है लेखापाल कानूनगो या जिला कृषि अधिकारी से बात नहीं बन रहा है, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले आपका आधार लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका आधार लिंक नहीं होगा तो ये आपको कोई भी आपका समस्या का समाधान नहीं कर पाई मतलब पाएंगे। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की शर्तें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर धारक है, वर्तमान या पूर्व मंत्री या मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, MLC, लोकसभा और राज्यसभा सांसद है, वो इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे। मतलब जो कोई भी सरकारी पद में है, वर्तमान या पूर्व मंत्री थे, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष या विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, कुछ भी थे पहले, वह इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर दूसरा है, केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसान को लाभ नहीं। मतलब अगर आप स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार में किसी भी में आप अगर 10,000 से अधिक पेंशन पाते हैं तो आप ये किसान का जो लाभ है आपको नहीं मिलेगा। फिर है आपका तीसरा नंबर में है, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील, आर्किटेक्ट जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेंगे। मतलब जो पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील, आर्किटेक्ट या कुछ भी अगर आपका बिजनेस है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फिर चौथा नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ को मतलब लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। मतलब अगर आप पिछले साल इनकम टैक्स दिए थे तो आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। मतलब अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर है पाँचवा नंबर, केंद्र और राज्य में मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर श्रेणी समूह डी कर्मचारी लाभ को लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ चतुर्थ मतलब ग्रुप डी और समूह डी मतलब कर्मचारी हैं तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। मोदी सरकार खेती के लिए सभी किसानों को सालाना 6,000 मदद दे रही है। मतलब जो है सेंट्रल सरकार में जो है मोदी सरकार खेती के लिए किसानों को सालाना 6,000 रुपया दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि आप बैंक अकाउंट कैसे लिंक करेंगे आधार से। मतलब आधार से आप बैंक अकाउंट कैसे लिंक करेंगे, तो लगभग सभी बैंकों में ऑनलाइन आधार सीडिंग की सुविधा है। मतलब सभी बैंकों में अब आधार सीडिंग की जो सुविधा है ऑनलाइन हो चुका है, जहां से आप अपना आधार को लिंक कर सकते हैं, वहां पर आप आधार लिंक कर सकते हैं। लिंक करते वक्त ध्यान से 12 अंक आधार नंबर टाइप करें और सबमिट कर दें। मतलब आपको 12 नंबर का आधार नंबर टाइप कर देना है फिर सबमिट कर देना है। जब आपका आधार अपने बैंक नंबर से लिंक हो जाएगा उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। मतलब जब आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट से तो आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तभी आप ऑनलाइन आधार लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप आधार लिंक नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप घर से ही कर सकते हैं। यदि सुविधा ऑफलाइन लेनी है तो जिस बैंक अकाउंट को आपने पीएम किसान स्कीम में दिया है उस बैंक में जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ऑफलाइन सुविधा लेना है तो आप जिस बैंक अकाउंट का नंबर अपने पीएम किसान में दिए हैं, पीएम किसान का फॉर्म में दिए हैं, वहाँ उस बैंक का ब्रांच में जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपको आधार लिंक करवाना होगा और आपको आधार फोटो कॉपी भी ले जाना होगा और बैंक कर्मचारी से कहे कि उनका आधार खाता से लिंक कर दे। मतलब आपको वहाँ पर जाकर आधार का जो है फोटो कॉपी ले जाना है और आपको जाके लिंक करवा लेना है बैंक के कर्मचारी से। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब आधार लिंक के बिना आपको पैसा अब नहीं मिलेगा और आपको पता चल गया है कि कब
तक आपको आधार लिंक करवाना है। 31 मार्च तक लास्ट डेट है, आपको 31 मार्च से पहले आपको आधार लिंक करवा लेना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। थैंक्स।